अंबिका दत्त जी रायबरेली से हैं, उत्तर प्रदेश से। तो इनका प्रश्न है, क्या औरतों को घंटा बजाना चाहिए? घंटा वादन माताएं बहनें कर सकती हैं? ऐसा इनका प्रश्न है। घंटा के संबंध में जानकारी चाहते हैं, पूछना चाह रहे हैं कि किस किस को कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत वाद्य यंत्र हैं, तो कौन जाति विशेष लिंग विशेष वाला व्यक्ति कौन से वाद्य यंत्र को नहीं बजा सकता, शास्त्रों में जो निषिद्ध है, तथा किस किस देवता के सामने कौन से वाद्य यंत्र नहीं बजाना चाहिए, इन सब की जानकारी ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, माताएं बहनें घंटा घंटी वादन कर सकती हैं, ऐसा कहीं भी निषेध हमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है। परंपरा से भी देखा गया है कि सभी माताएं बहनें घंटा वादन करती हैं। माता बहनों को और शूद्रों के लिए शंख वादन का शास्त्रों में निषेध है। देखिए, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में 20वें अध्याय में 31वां श्लोक है। स्त्रीणांच शंख ध्वनि भी शूद्राणांच विशेषतः भीता रुष्टा याति लक्ष्मी स्थल मन्यत स्थलात्ततः। व्यास जी कह रहे हैं कि स्त्रीणाम शंख ध्वनि भी शूद्राणांच विशेषतः, स्त्रियों के लिए शंख ध्वनि और शूद्रों की शंख ध्वनि, माने स्त्रियों के द्वारा बजाए गए शंख की ध्वनि और शूद्रों के द्वारा बजाए गए शंख की ध्वनि को सुन करके लक्ष्मी माने लक्ष्मी देवी भीता रुष्टा याति, डर करके रूठ करके चली जाती हैं। लक्ष्मी जी चली जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं? स्थलम अन्यत स्थलात ततः, ततः स्थलात अन्यत्र, उस स्थल को छोड़ करके, उस घर को छोड़ करके लक्ष्मी महारानी रूठ करके, रुष्ट होकर के, कुपित होकर के वहाँ से चली जाती हैं। इसलिए माता बहनों को और शूद्र भाइयों को शंख ध्वनि करना शास्त्रों में निषेध किया गया है, उन्हें शंख आदि नहीं बजाना चाहिए। कहाँ कहाँ किस देवता के लिए क्या चीज नहीं बजावे, हमारे यहाँ शास्त्रों में ये भी निषेध है। वाद्य यंत्र हैं, परंतु हर वाद्य यंत्र हर देवता के सामने हर देवता के मंदिर में नहीं बजाए जाते। कुछ वाद्य विशेष हैं जो कि देवताओं के यहाँ निषेध किए गए हैं, किसी देवता विशेष के यहाँ। जैसे भगवान सूर्य के पास, भगवान शिव के पास भी शंख बजाना निषेध किया गया है। शिवगारे झल्लकंच सूर्यागारे च शंखकम दुर्गागारे वंशवाद्यम मधुरींच न वादये। भगवान शंकर जी के मंदिर में झल्लक यानी झालर, झांझ, ऐसा अर्थ किया है विद्वानों ने, झांझ को नहीं बजाना चाहिए। सूर्यागारे च शंखकम, और भगवान सूर्य के मंदिर में शंखवादन और शंख से अभिषेक आदि भी भगवान सूर्य का निषेध है शास्त्रों में। दुर्गागारे वंशवाद्यम, दुर्गा जी के यहां वंशवाद्य यानी बांस का बना हुआ वाद्य, छिद्र वाला वंशी आदि नहीं बजाना चाहिए। और मधुरींच न वादये, भगवती के मंदिर में मधुरी का भी वादन नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्य और शिव के लिए शंख से अभिषेक करना भी निषेध है। सूर्य के लिए तो मंदिर में शंख का बजाना भी निषेध है, पर शिव जी के यहाँ तो शंख बजाया तो जा सकता है,
लेकिन शंख से शिव जी का अभिषेक नहीं किया जा सकता, मना किया गया है। महाभिषेकम सर्वत्र शंखे नैव प्रकल्पयेत, सर्वत्रैव प्रशस्तोज्जः शिव सूर्यार्चनम विना। तिथ्यादि तत्व ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि यद्यपि देवताओं के यहाँ विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र बजाना चाहिए और ये जो है शंख से सभी देवताओं का महाअभिषेक करना चाहिए, सबका होता है, लेकिन सर्वत्र प्रशस्तोब्जह, अब्जह शंख सर्वत्र प्रशस्त है, सर्वत्र प्रशस्त है, लेकिन शिव और सूर्य को छोड़ करके, अर्थात भगवान शंकर का और भगवान सूर्य का स्नपन अभिषेक शंख जल से नहीं करना चाहिए। और भी कह रहे हैं, मत्स्य पुराण का वचन है, देखिए, गीत वादित्र निर्घोषम देवस्याग्रे च कारयेत् विरिंचेश्च गृहे ढक्काम घंटाम लक्ष्मी गृहे त्यजेत्। देवताओं के यहां शंख और घंटा, घंटी, झालर, मजीरे और भी जितने भी वाद्य यंत्र हैं, उन सभी वाद्य यंत्रों को देवताओं के सामने बजाना चाहिए, लेकिन विरिंचेश्च गृहे ढक्काम, विरिंच यानी भगवान ब्रह्मा के मंदिर में ढक्का यानी डमरू को नहीं बजाना चाहिए। अथवा ढक्का के दो अर्थ किए हैं, एक ढांक होता है, ढांक वाद्य यंत्र जिसको ढाक कहते हैं, कहीं कहीं ढांक कहते हैं, तो वो पैरों पर रख करके और उसमें घुंघरू बने होते हैं और डंडों के साथ बजाया जाता है और पैर भी हिलाए जाते हैं ताकि वे घुंघरू बजते हैं, उसको ढांक कहते हैं। वो ढांक यंत्र भी ब्रह्मा जी के मंदिर में नहीं बजाना चाहिए। अथवा डमरू, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, तो वो जो ढक्का का अर्थ डमरू भी है, इसलिए डमरू, कोई कहते डमरू अथवा ढांक, या दोनों ही ब्रह्मा जी के मंदिर में बजाना शास्त्रों में निषेध किया गया है। और घंटाम लक्ष्मी गृहे त्यजेत्, भगवती लक्ष्मी जी के मंदिर में घंटा नहीं बजाना चाहिए, मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। भगवती के मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर में घंटा का वादन निषेध किया गया है। इस प्रकार कौन सा वाद्य यंत्र किसको नहीं बजाना है, कौन सा वाद्य यंत्र किस देवता के सामने नहीं बजाना है और कौन सा विशेष रूप से बजाना है, ये शास्त्रों में सबके लिए प्रतिपादित किया गया है। मुख्य रूप से ये जो है शंख माता बहनों को और शूद्रों को नहीं बजाना चाहिए, और शंख का प्रयोग भगवान शंकर और सूर्य के अभिषेक में नहीं करना चाहिए, तथा घंटा भगवती लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं बजाना चाहिए, और डमरू को भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में नहीं बजाना चाहिए। इस प्रकार ये निषेध है, इसका हम सभी को विधिवत परिपालन करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि विधि का पालन और निषेध का त्याग, यद्यपि दोनों ही शास्त्रों में सर्वोपरि हैं, लेकिन फिर भी विधि का भले ही उतना पालन न हो पाए, लेकिन निषेध का परिवर्जन सर्वप्रथम होना चाहिए। निषेध परिवर्जन पूर्वक विधि का परिपालन, यही हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। सबसे पहले निषेध का परिवर्जन, निषेध परिवर्जन पूर्वक विधि का परिपालन करने पर ही समस्त प्रकार की संसिद्धि को, अभीष्ट को व्यक्ति प्राप्त करता है।